जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला की कड़ी में अगली श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह इस पुस्तिका जिसका कि नाम है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन किए से लिए गए हैं, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बहुत ही करीबी रहे श्री शंकरानंद शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित है। आज मैं इस श्रृंखला में आपके सामने अध्याय चतुर्थ प्रस्तुत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बाबा साहेब के विचारों को बहुत गंभीरता के साथ एवं बहुत ही सहिष्णुता के साथ लेंगे, वैसे ही जैसे कि उन्होंने आपने उनके पिछले विचारों को लिया है। मैं आगे प्रस्तुत करता हूँ। मानवता का संरक्षक केवल बौद्ध धर्म। 27 मई 1953 के दिन नरेपाक बम्बई में बौद्ध धर्म प्रचार समिति के तत्वाधान में 3 पवित्र घटनाओं से पावनीभूत वैशाख पूर्णिमासी के दिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। लाखों की भीड़ थी। इस विशाल सभा पर बोलते समय बाबा साहब ने कहा, भाई और बहनों, आज आप सभी वैशाख पूर्णमासी यानी बुद्ध जयंती उत्सव के कारण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप जिस प्रकार यह मना रहे हैं, इसी प्रकार भारत में सभी स्थानों पर इस महान उत्सव को मनाया जा रहा है। सभी स्थानों पर इस उत्सव को मनाने का खास महत्व है। बुद्ध जयंती की छुट्टी की स्वीकृति। भगवान बुद्ध के इस पवित्र दिन को छुट्टी का दिन घोषित किया जाए, इस बात के लिए मैं सरकार पर 1942 से दबाव डाल रहा था। जब मैं केंद्रीय सरकार में एग्जीक्यूटिव काउंसलर था, तब मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा था कि इस दिन को छुट्टी में घोषित कर दे। उस समय केंद्रीय सरकार में श्री मैक्सवेल केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री थे। उनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि इस दिन को छुट्टी घोषित किया जाए। दूसरा महायुद्ध चल रहा था, इसलिए इस दिन को छुट्टी घोषित करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराती थी। उन्हें डर था कि इस दिन को छुट्टी घोषित होने पर मुसलमानों और हिंदुओं का विरोध होगा। जो सहायता उन्हें मिल रही है, वह सहायता उन्हें नहीं मिलेगी। आज भारत में मुझे पुनः कांग्रेसी मंत्रिमंडल दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से इस दिन को छुट्टी घोषित करने के लिए प्रार्थना की। मेरी इस मांग का महाबोधि सोसाइटी के प्रधान श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन किया। हिंदुओं के 33 कोटि देवताओं के नाम पर छुट्टियां हैं। मुसलमान, पारसी, जैन और कृष्णों के देवताओं के नाम पर छुट्टियां हैं। बुद्ध जयंती पर कोई छुट्टी नहीं है। इन सभी छुट्टियों में एक छुट्टी को कम करके इस दिन को छुट्टी के रूप में घोषित किया जाए या एक दिन को बढ़ा दिया जाए। मेरी इस मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना। पंडित नेहरू भगवान बुद्ध के प्रति अपार भक्ति दर्शाते हैं, इसलिए उन्होंने इस दिन को सरकारी छुट्टी के दिनों में शामिल करके छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया। बम्बई सरकार निराली है, इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस पर उन्होंने अभी तक हड़ताल किया हुआ है। हमारी यह सरकार सुसंस्कृत सरकार है, इसलिए इस सरकार को एग्रीकल्चर सरकार कहना चाहिए, क्योंकि कल्चर अग्रीकल्चर, क्योंकि कल्चर यानी सुसंस्कृत संस्कार है। खूब यहाँ से आज के दिन को छुट्टी के दिन में घोषित न करने के कारण 5 बजे साया होने वाली यह सभा 7:30 बजे साया कल मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध के नाम से हिंदुओं को भय। भगवान बुद्ध का नाम लेते ही हिंदुओं को बहुत डर लगता है। उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान का नाम लेते ही
उन पर कोई बम पड़ रहा है। अब कुछ लोगों में समझ आ गई है और अब वे भगवान बुद्ध का मान करने लगे हैं। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, आगे क्या होगा इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात अवश्य होगी, इसे मैं निश्चयात्मक रूप से कह सकता हूँ कि भगवान बुद्ध का यह सद्धर्म संसार में दोबारा फैलेगा। किस मार्ग से यह सद्धर्म भारत में आएगा इसे मैं आज बता नहीं सकता। मैं बौद्ध धर्म का परम उपासक हूँ। इस सद्धर्म पर मैंने खूब अध्ययन किया है। इस सद्धर्म को समझने के लिए अब सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। मैं केवल पुस्तकों को पढ़कर आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि मैं इस संदर्भ पर कुछ मैं इस सद्धर्म पर कुछ बोलना है ऐसा भी नहीं है कि इस सद्धर्म पर कुछ बोलना है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा अध्ययन गंभीर है। मैं एक दिन प्रत्यक्ष कार्य करके दिखाऊंगा। मैं अपनी सारी आयु को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च कर दूंगा। मैं धर्मचक्र को घुमाऊंगा। बाबा साहेब ने स्वयं इस धर्मचक्र को 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में घुमाया और लाखों को बौद्ध बनाया। ये संपादक जी द्वारा दी गई टिप्पणी है। आगे सुनते हैं बाबा साहेब जी द्वारा दिया गया भाषण। बौद्ध धर्म के संबंध में मेरी श्रद्धा इतनी क्यों है, इस प्रश्न को मुझसे कईयों ने पूछा है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विचारक का कहना है कि इस धर्म में निराली कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, इन दोनों में कोई विभिन्नता नहीं है। हिंदू विद्वानों का कहना है कि भगवान बुद्ध ने उपनिषदों से सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे विद्वानों के संबंध में महान आश्चर्य होता है जिन लोगों ने ब्राह्मणों की लिखी हुई 134 उपनिषदों का अध्ययन किया है। उन्हें मालूम होगा कि इन उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में ही लिखा है। उपनिषद रूपी वर्कशॉप में बनाए गए आत्मा और ब्रह्मा को भगवान बुद्ध ने नहीं माना। भगवान बुद्ध ने सादे शब्दों में कहा है कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे केवल इस पृथ्वी पर पैदा हुए मानव समाज चाहिए। उसे शांति और सुख के पथ पर डालना मेरा कर्तव्य है। सभी सुखी रहना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने केवल दुखी मानव को मोक्ष रूपी मृग मच्छरिका के से दूर नहीं रखा, बल्कि दुख क्या है इसे उन्होंने धर्मचक्र सूत्र में दर्शाया है। दुख की सत्यता को मानना लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए काल्पनिक या मनगढ़ंत बातों का सहारा नहीं लिया। वे सच्चे विचारक थे। उन जैसा महान विचारक आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में इस दुख का निरोध कैसे किया जाए इसका अनुभूत पथ को बताया है। दूसरे धर्म वालों ने इन दुखों से भागने का पथ बताया है, जबकि भगवान बुद्ध ने उसका मुकाबला करने को सुखी बनाने का अनुभूत और पवित्र पथ बताया है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों को बदला। भगवान बुद्ध ने हिंदुओं के वेद शास्त्रों को नहीं माना। भगवान ने हिंदू धर्म की जाति पाति वाले चतुर्वर्ण का बार बार खंडन किया है। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उन्होंने ब्राह्मणवाद यानी हिंदू धर्म के सिद्धांत अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इसका खूब विरोध किया है। इस देश में 3 ही धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। जैन धर्म के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। भगवान बुद्ध ने जाति पाति पर जो कुठाराघात किया है वह न्याययुक्त है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ब्राह्मण 3 लोगों में श्रेष्ठ है। मैं ब्राह्मणों का द्वेषी नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणवाद को नहीं मानता। ब्राह्मणवाद ने इस देश में बहुजन का बड़ा अहित किया है, अनर्थ किया है। मैं व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, मानवता की पूजा करता हूँ। ब्राह्मण भी मनुष्य है, उसे सद्विचारों से बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के पवित्र सिद्धांतों ने लाखों ब्राह्मणों को बदलकर अपना अनुयायी बनाया था। समानता चाहने वाले ब्राह्मणवाद का शत्रु समानता चाहने वाले को ब्राह्मणवाद का शत्रु होना चाहिए। यहीं तक हम आज पढ़ते हैं और इसके आगे अगली कड़ी में पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाबा साहेब ने यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात कही है, और जो कि अक्सर मैंने भी अपने जीवन में देखा और आप सबने देखा होगा। हिंदू
या हिंदू धर्म के पालक या हिंदू धर्म को मानने वाले या उन विचारों को मानने वाले जिनका संबंध हिंदू धर्म से है। और कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म में भी यह देखा है मैंने, कुछ बातें ऐसी आई हैं, पर उस पर ना जाते हम सिर्फ हिंदू धर्म पर आते हैं। और ख़ास करके हिंदू धर्म में यह देखने को मिला है कि टोने टोट के, जादू टोना, ऊट पटांग की चीज़ें, अंधविश्वास से हिंदू लोग बहुत ही बुरी तरह से ग्रस्त हैं। मेरे अपने परिवार में लोग ग्रस्त हैं, मेरे पड़ोस में ग्रस्त हैं, मेरे मित्र ग्रस्त हैं, मेरे मित्रों के माता पिता ग्रस्त हैं। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मैं मनोविज्ञान का छात्र था, साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने देखा मनोविज्ञान के छात्र भी इन टोने टोट के और हिंदू छात्र खास करके इनसे ग्रस्त दिखे मुझे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे अपने पे शर्म आई, मुझे देश पे शर्म आई कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे अपने पे हमारी सभ्यता पे, सभ्यता के विकास पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पूरी दुनिया जहाँ इतना विकास कर चुकी है वहाँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भाई मनोविज्ञान पढ़ने वाले क्या ऊटपटांग टोने टोट को विश्वास करते हैं। फिर मैंने ये देखा कि ये टोटकों के अंदर मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैंने वहाँ भी देखा, फिल्म लाइन में देखा, यहाँ तक कि मैंने डॉक्टरों को देखा, साइंटिस्टों को देखा, ऊट पटांग बातें पे विश्वास करते हुए हिंदुओं को। तो कृपा करके बाबा साहेब यहाँ जो कह रहे हैं बौद्ध धर्म का उन्होंने रास्ता बताया, ये रास्ता यही है कि आप ये ऊट पटांग चीज़ों से बाहर निकलिए। हो सकता है हमारे मित्र भी जो आगे देखें, अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक एग्ज़ाम था LLB का, देखा एक मित्र चींटियों को आटा खिला रहे हैं, हमने कहा मित्र क्या कर रहे हो, क्या ये पापा मानते नहीं है, अब जब तुम पढ़ोगे नहीं तो एग्ज़ाम में मार्क्स कहाँ से आएंगे, चींटियों को खाना खिलाओगे तो क्या चींटियाँ तुम्हारा एग्ज़ाम में मार्क्स देने एग्ज़ाम देने जाएगी। ऐसी बेहूदी की बातें सोच के हिंदू लोग अपना वो क्यों, मेरे एक मित्र हैं उनके कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमेशा कुंडली लेके बैठ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी नहीं, काम धाम वो करते नहीं, दिन भर सोते हैं और जब कोई बात आती है तो कुंडली लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसी ऊट पटांग और मूर्ख बातों से चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म विशेष के लोगों के पैकर के बाहर आए। अगर बौद्ध धर्म का रास्ता आपको लगता है बाबा साहेब का दिखाया हुआ तो वह अपनाएं, लेकिन आप किसी भी धर्म में रहें मेरा यह कहना है कि आप ये ऊट पठान की बातें ना सोचें, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं रखा है। मैं इसी के साथ बाबा साहेब का यह भाषण खत्म करता हूँ, हम अगली कड़ी जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।